दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट आ जाए, मान लो आपके पास कोई एक्टिवा आ गई, ठीक है, तो इनमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जो इसका CDI है ये इस टाइप का है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जब हम इसको सेल्फ से स्टार्ट करते हैं तो ये सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती। अब देखिए कैसे, जैसे कि मैं देखिए इसको ना प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने ब्रेक दबाया और ये इसको दबाया, ठीक है, तो आप यहाँ पर साउंड सुन सकते हैं। देखिए मैं आपको साउंड सुना दूँ, इधर आइए, चलो। तो अब देखिए, जब हम इसको ब्रेक को दबाते हैं और सेल्फ बटन को दबाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ की रिले की जो साउंड आती है, अब देखिए, देखिए, तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो रिले है ये अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये यहाँ से ऐसे टिक टिक करता रहेगा और आपको ये लगेगा कि ये जो है कट तो मार रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सेल्फ मोटर में है, ठीक है, आप लोगों को ये लगेगा, ठीक है। तो ऐसा इसमें होगा, ठीक है, आपको ये इसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम का जो है दोस्तों ये फॉल्ट नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कभी आप इसको चक्कर में पड़ जाएँ, आप इसके सेल्फ मोटर को भी ओपन कर दें, इसके अंदर कार्बन भी डाल दें या इसको नया चेंज भी कर दें, तब भी आपकी जो है स्कूटी ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। वो होगी क्यों नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब देखिए, जब हम इसको ब्रेक को दबाकर इसको ना प्रेस करते हैं तो इससे रिले की साउंड आती है, ठीक है भाई। वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुन लेना और वीडियो को देख लेना ताकि आपके पल्ले कुछ पड़ जाए। तो यहाँ पर ये टिक टिक तो करता रहेगा लेकिन आपके सेल्फ मोटर जो है काम नहीं करेगी, ठीक है। वो करेगी क्यों नहीं, अब देखिए क्यों नहीं करेगी, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, जैसे कि ये इसका CDI है, तो मैंने यहाँ से ये जो है तार निकाल दी है, ठीक है, जो है येलो पे रेड लाइन। तो ये तार निकालने से होती क्या है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये तार यहाँ पर जाती है, ठीक है, जो इसका ये स्विच है यहाँ पर, देखिए, तो यहाँ पर जाने के बाद ये तार दोस्तों जो दो जगह आती है, एक तो यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर, देखिए, ठीक है, इसके अंदर जो है 12 वोल्ट DC सप्लाई आती है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं ना और इसके ब्रेक को दबाते हैं, चाहे राइट वाला चाहे लेफ्ट वाला, ठीक है, तो यहाँ पर ये तुरंत 12 वोल्ट आ जाती है। वो कैसे आती है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये तार होती है तो इसका कनेक्शन जो है यहाँ पर होता है, ठीक है, इसके साथ ये ब्रेक वाली तार है, ठीक है, इसके साथ इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये तार दी गई है ब्रेक वाली, ये इसके साथ टच हो जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें ये, ठीक है, ये जो है 12 वोल्ट इसमें आती है और ये इसको पकड़ लेती है, ठीक है, और इसके बाद इसमें 12 वोल्ट आ जाती है, ठीक है, इसमें भी और यहाँ पर भी। अब होता क्या है, देखिए, जब मान लो ये तार अगर कहीं से कट जाएगी, या जैसे कि मैंने आपको इसको निकाल के दिखा दिया, ठीक है, या फिर ये जो दूसरी तार है यहाँ पर, ये वाइट पे जो इसके अंदर ये हरी लाइन है, अगर ये तार भी कहीं से कट जाती है तो आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है सेल्फ रिले को काम करेगा आपके दबाने से, ठीक है, बटन को प्रेस करने से, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होगी। ये स्टार्ट कब होगी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब मैंने जैसे कि यहाँ से तार हटा रखी है तो ये सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन जब हम इसमें किक लगाते हैं तो किक से ये स्टार्ट हो जाती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए ये जो है स्टार्ट हो गई, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये तार हटी हुई है और आप लोग देख सकते हैं देना रेस, तो देखें, तो देखो ये जो है स्टार्ट है, ठीक है। तो अगर आप इसको 10 बार भी स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन सेल्फ मोटर से नहीं होगी। होगी क्यों नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसमें होता क्या है, देखिए ये जो है वर्क किस तरीके से करता है भाई, ऐसी जानकारी आपको आज तक कोई नहीं यूट्यूब पर देगा, ना ही आज तक के से पहले किसी ने शायद दी होगी। तो अब देखिए ये कैसे वर्क करता है, जब हम अगले ब्रेक को या दोस्तों दूसरे ब्रेक को दबाते हैं पिछले वाले को, तो यहाँ पर जो ये तार यहाँ से होकर आती है 12 वोल्ट, ठीक है, एक यहाँ आ गई इसके रिले में और एक यहाँ पर आ गई। तो होता क्या है, जो यहाँ पर ये आप हरी तार देखते हैं, ठीक है, ये इसका बॉडी अर्थ है, तो बॉडी अर्थ ये इसका इनपुट है, ठीक है, ये इसका इनपुट है। तो होगा क्या भाई, देखिए, जब हम इसके ब्रेक को दबाएंगे, सेल्फ को लगाएंगे ना, तो इसमें 12 वोल्ट आएगी, तो ये दोस्तों जो है CDI यूनिट अंदर से कट मारेगा, ठीक है। कट मारने के बाद जो इसमें आप ये तार देख सकते हैं, ये वाली जो इसमें ये सफ़ेद पे ग्रीन लाइन है, ये यहाँ पर भी आ गई है, ठीक है। तो ये कट मारने पर ना ये तार अंदर आती है इसके इनपुट, तो ये इस तार को ना आउटपुट देगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये इसमें अपना आउटपुट देगा, और ये आउटपुट देने के बाद ये तार आएगी सीधी इस सेल्फ रिले पर, ठीक है। तो इस सेल्फ रिले को देखिए 12 वोल्ट तो यहाँ से मिल गई,
ठीक है। अब इसको बॉडी अर्थ भी चाहिए क्योंकि तभी रिले कट मारेगा ना, जैसे एक हॉर्न का काम करता है। तो यहाँ पर जब ये कट मारेगा सही तरीके से, ठीक है, तब दोस्तों आपकी सेल्फ मोटर स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब जो आपकी सेल्फ की मोटर लगी है वो सही तरीके से काम करेगी और आपको साउंड ऐसी लगती है जब हम आपको दिखा रहे हैं ये तार ओपन करके, या मान लो कहीं से कट जाती है ये वाली, तो होता क्या है, ये कट तो मारेगा लेकिन ये कट इतना नहीं मारेगा जैसे कि बैटरी डाउन हो जाती है ना, और इसको 10 वोल्ट से कम मिलती है, ठीक है, 8 या 10, तो ये प्रॉपर तरीके से कट नहीं मारता और ये सेल्फ मोटर को नहीं घुमा पाता, तो ये इसका रीज़न होता है। अब देखिए मैं आपको इस तार को लगा के दिखाता हूँ, पकड़िए तो इस तार को आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। कहने का मतलब मैंने इसको यहाँ से निकाला था, या मान लो ये तार यहाँ आने से पहले कट जाती है, तो अब देखिए हम जो आपको दिखाते हैं ना प्रूफ के साथ दिखाते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तार को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, जहाँ से मैंने इसको निकाला था, ठीक है, तो मैंने इस तार को यहाँ पर लगा दिया। तो अब देखते हैं हम इसको सेल्फ से स्टार्ट करके, हमने स्विच को ऑन किया और अब हमने ब्रेक को दबाया और आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गई है। देखिए मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, इधर आना भाई। तो मैंने इस तार को यहाँ पर लगा दिया, तो आप इसको अगर 4-5 बार भी स्टार्ट करके देखेंगे ना तो स्टार्ट हो जाएगी। देखना स्टार्ट करके दिखाना इसको, देखिए ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अब जो सेल्फ रिले को है प्रॉपर 12 वोल्ट मिल चुकी है, इसको अर्थ भी सही से मिल चुका है, तो ये तभी काम करेगा, ठीक है। तो अब एक बार और दिखाना, तो देखिए स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब मैं इस तार को आपको जो है ओपन करके दिखाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही हटा लेता हूँ, स्कूटी आपकी स्टार्ट होगी कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको हटा दिया है। और अब स्विच को ऑफ करते हैं और अब हम इसको देखिए प्रेस करते हैं, तो अब देखिए ये कट तो मार रहा है, ठीक है, ये लेकिन प्रॉपर कट नहीं मार रहा, इसके अंदर जो है 10 वोल्ट से भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ मोटर को जो है ये अपनी सप्लाई नहीं दे रहा इस बैटरी की, तो जिसके चलते आपकी जो है स्कूटी ये सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो तो आप यही चक्कर में पड़ जाओगे कि यहाँ से टिक टिक की साउंड तो आ रही है और प्रॉब्लम क्या है, आप बैटरी भी चेंज करके देख लेंगे या आप इसको मल्टीमीटर से चेक भी कर लेंगे कि बैटरी के अंदर सही सप्लाई है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगी। आप इसके अंदर चाहे जो सेल्फ मोटर होती है उसके अंदर कार्बन भी नहीं चेंज कर दो या आप इसके अंदर मोटर भी डाल दो, तब भी दोस्तों ये ऐसे स्टार्ट नहीं होगी जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई। तो ये दोस्तों इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है जो इस स्कूटी को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम करती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन होता है इसके CDI के द्वारा होता है। तो याद रखिए अगर मान लो बाई चांस ऐसा हो जाता है ये तार कहीं से कट जाती है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे दूसरे बाइक में होता है, यहाँ से हमने जो है इसके बॉडी अर्थ को यहाँ पर देना है, तो इसको जो है इस ब्रेक के द्वारा 12 वोल्ट मिल जाएगी, तब भी दोस्तों आपका ये नॉर्मल काम हो जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ सिर्फ फ़र्क इतना है, इस स्कूटी को हम जो है जब इस सेल्फ रिले को जब हम सप्लाई देते हैं बॉडी अर्थ, तो इसको बॉडी अर्थ जो है इसके बेस पर मिलता है, ठीक है। अगर ये तार कट जाती है यहाँ से बॉडी अर्थ की, तब भी दोस्तों ये ऐसे स्टार्ट नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। तो अभी चलिए मैं इस तार को लगा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तो अब इस तार को तो हम बाद में लगा देंगे। तो इसमें दोस्तों मैंने आपको ये जानकारी देनी थी, अगर आपकी स्कूटी में सेल्फ से लेकर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें ये इसका रीज़न होता है, ठीक है, ये ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये काम कैसे करता है, इसको 12 वोल्ट भी चाहिए, ठीक है, बॉडी अर्थ भी चाहिए और आगे ये सप्लाई निकालने के भी लिए चाहिए, ठीक है, जो ये ST कॉल पर जाती है। तो सिर्फ फर्क इतना है जो ये तार इसमें आती है तो जो इसका बॉडी अर्थ है वो इनपुट आएगा और उसके बदले में ये आउटपुट निकालती है बॉडी अर्थ को ही, ठीक है, जो जाती है इसके रिले पर। तो ये इस प्रकार से काम करता है, अगर ये तार कट गई या फिर ये दूसरे वाली कट गई जो यहाँ पर आ रही है, तब भी दोस्तों आपकी जो है स्कूटी सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी, किक से हो जाएगी। आपको यही लगेगा कि ये जो है दोस्तों सेल्फ रिले तो ठीक है, तो सेल्फ मोटर में ही प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, नॉलेज मिली होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।